भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ निरंतर दबिश देकर कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसी कड़ी में बाड़मेर एसीबी ने डिस्कॉम के एक सहायक अभियंता को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने सिंगल फेज से थ्री फेज लोड बढ़ाने की एवज में 15,000 रुपए रिश्वत की डिमांड की थी। एसीबी टीम आरोपी से पूछताछ करने के साथ उसके क्वार्टर सहित घर की जांच पड़ताल शुरू की। एएन सुरेंद्र कुमार बंसल बाड़मेर डिस्कॉम सिटी सेकंड में कार्यरत है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ निरंतर दबिश देकर कार्रवाइयां की जा रही है। इसी कड़ी में बाड़मेर एसीबी ने 5,000 रुपए की रिश्वत डिस्कॉम के एक अयन को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी ने सिंगल फेज से थ्री फेज लोड बढ़ाने की एवज में 15,000 रुपए रिश्वत की डिमांड की थी। एसीबी टीम ने आरोपी से पूछताछ करने के साथ उसके क्वार्टर सहित घर की जांच पड़ताल शुरू कर दी। अयन बाड़मेर डिस्कॉम सिटी सेकंड कार्यालय में कार्यरत था। एसीबी टीम को परिवादी की ओर से शिकायत मिली थी कि सिंगल फेज लाइट कनेक्शन को थ्री फेज लोड की फाइल लगवाई हुई है, लेकिन अयन सुरेंद्र कुमार बंसल थ्री फेज लोड के लिए 15,000 रुपये की डिमांड कर रहा है। एसीबी टीम ने 10,000 रुपये की रिश्वत राशि देकर सत्यापन करवाया। गुरुवार को शेष राशि 5,000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए उसे पकड़ा। एसीबी डिप्टी किशन सिंह के मुताबिक गुरुवार को परिवादी को 5,000 रुपये रिश्वत के रुपये देकर अयन के क्वार्टर भेजा गया। रिश्वत राशि लेते समय एसीबी टीम ने आरोपी को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी डिस्कॉम सिटी सेकंड कार्यालय में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत है। सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनाई जा रही है, उसके तहत डीजे साहब रवि प्रकाश जी मैरडा साहब ने भी इसको बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं और निर्देश दिए हुए हैं कि आपको जीरो टॉलरेंस की नीति ही अपनानी है। हमें एक सूचना परिवादी ने दी कि सुरेंद्र कुमार बंसल करके एएन है रिपो में, जो सिंगल फेस से थ्री फेस कनेक्शन के लिए 15,000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। सत्यापन के दौरान 10,000 रुपये उसने दिए और आज शेष राशि देते हुए 5,000 रुपये की राशि देते हुए उसको रंगे हाथों गिरफ्तार। सर, इससे पहले भी कोई इस प्रकार की रिश्वत दी ऐसी कोई सूचना या इनके ठिकाना पर दबिश ऐसी भी दे रही है, अलग अलग जांच पड़ताल कर रही है? इनके जो ठिकाना है, जो आवास है, वहाँ के लिए टीम अलग से भेज दी गई है, वो तलाशी जारी है। नहीं, परिवादी ने इसके खिलाफ ही अभी सूचना दी थी। इसके अलावा हमारे पास जो भी 1064 से और जो सूचनाएँ आती हैं तब उनको वेरीफाई करते हैं और अगर परिवादी तैयार हो जाता है तो हम अग्रिम कार्रवाई करते हैं। डिस्कॉम सिटी सेकंड कार्यालय के अयन को रंगे हाथों एसीबी टीम द्वारा सरकारी क्वार्टर पर कार्रवाई के दौरान पकड़कर उसे सदर थाने ले गई। फिलहाल एसीबी पूछताछ कर रही है। वहीं एसीबी की दूसरी टीम उसके आवास सहित अन्य ठिकानों पर जांच पड़ताल में जुटी हुई है।